देख सकते हैं फ्रेंड, ये मर्सिडीज C200 है। इसका प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड कि अब जब हम स्टार्ट करते हैं तो सेल्फ लेता है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है। हम आपको दिखाते हैं, स्टार्ट कीजिए अंसारी जी। ये देखिए, हाँ मारिए, बस रन दीजिए। तो सबसे पहले फ्रेंड तो हम इसका स्कैनिंग करेंगे और स्कैनिंग करके चेक करेंगे कि इसका फॉल्ट क्या है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। हाय फ्रेंड, आज आपका हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मर्सिडीज C200 है जो रास्ते में बंद हो गई है, तो हम इसे स्टार्ट करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले तो हम इसमें स्कैनर लगा के स्कैनिंग किए हैं, तो आपको बता दें इसमें फॉल्ट कोड क्या आ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने स्कैनर इसमें लगाया हुआ है, तो ये देख सकते हैं हमने स्कैनिंग किया है। इसका क्रैंक शाफ्ट का सेंसर का फॉल्ट आ रहा है। तो फ्रेंड हम इसका अब क्रैंक सेंसर चेक करेंगे कि इसका क्रैंक सेंसर कहाँ आता है और उसे रिप्लेस करके देखेंगे कि गाड़ी हमारा स्टार्ट होता है कि नहीं होता है। अभी ये फ्रेंड गाड़ी हम स्टार्ट करेंगे तो सेल्फ लेता है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है। तो हम पहले इसका क्रैंक सेंसर देखेंगे कि कहाँ है, उसे बाहर निकालेंगे, उसके बाद चेक करेंगे। जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, ये मर्सिडीज 200 कल हमने आपको इसके बारे में बताया था कि ये वाशी सेक्टर 17 में बंद पड़ी थी, तो हम इसको गए थे वहाँ चेक किए थे, तो आपको बताए थे कि इसका क्रैंक सेंसर का प्रॉब्लम है। तो हम इसे टो करके आज गैरेज पे लेके आए हैं, देख सकते हैं आप। अब इसका हम क्रैंक सेंसर ओपन करने वाले हैं। अंसारी जी, इसका क्रैंक सेंसर ओपन कीजिए। तो अब इसका हम क्रैंक सेंसर ओपन करके आपको दिखाते हैं कि इसका क्रैंक सेंसर कहाँ पे आता है और उसे चेंज करके भी दिखाएंगे। आपको बताते हैं इसका क्रैंक सेंसर कहाँ पे आता है। तो आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं फ्रेंड, एक गियर बॉक्स के ऊपर आता है, नीचे से आपको कवर खोलना पड़ेगा तब आपको दिखेगा। गियर बॉक्स के ऊपर 7 नंबर का ब्लैक पेटी के बॉक्स वाले से आप लगा कर इसको ऊपर कर सकते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कहाँ पे आता है करके। अब इसे हम बाहर निकाल के आपको दिखाएंगे। ये नीचे से आपको ऊपर करना पड़ेगा। ये देख सकते हैं फ्रेंड, इसका सबसे पहले तो हमने सॉकेट ओपन कर दिया है। ये देख सकते हैं इसमें हाथ डालने के लिए जगह नहीं है, फिर भी आपको कोशिश करके हम दिखाते हैं। ये देख सकते हैं, ये इसका सॉकेट है और ये इसका क्रैंक सेंसर है। देख सकते हैं, ये इसका क्रैंक सेंसर है, ये सॉकेट हमने ओपन कर दिया है। इसका जो एलंकी है, ये देख सकते हैं, इसको हम ओपन कर रहे हैं अभी, दिखा दो। ये देख सकते हैं फ्रेंड, हम इसका एलंकी ओपन कर रहे हैं। ये देख सकते हैं, इसमें एक ही बोल्ट आता है। ये आपको बताते कौन सा पाना बैठेगा फ्रेंड। ये देख सकते हैं, ये 6.5 mm का पाना है, बॉक्स पाना, ब्लैक पेटी का छोटा का, जिससे हमने इसको एलंकी को ओपन किया है। अब हम आपको इसका क्रैंक सेंसर ओपन करके दिखाते हैं बाहर निकाल कर। इसको एलंकी ओपन करके इसको दोनों साइड ऐसा ऐसा घुमा कर और ऊपर की तरफ आप खींचेंगे तो एक क्रैंक सेंसर आपका बाहर आ जाएगा। ये देख सकते हैं, ये हम इसका क्रैंक सेंसर ओपन कर रहे हैं, बाहर ले रहे हैं फ्रेंड। अब आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये इसका क्रैंक सेंसर है, ये हमने बाहर ले लिया है, ठीक है फ्रेंड। तो अब इसका हम क्रैंक सेंसर आप देख सकते हैं, इस पे मर्सिडीज लिखा हुआ है क्रैंक सेंसर पे, तो ठीक है फ्रेंड। तो अब इसका हम क्रैंक सेंसर अरेंज करेंगे, अरेंज करके फिर आपको इसका न्यू क्रैंक सेंसर फिटिंग करके दिखाएंगे। ये आपको हमने जगह दिखा दिया है कहाँ पे आता है फ्रेंड, ठीक है। ये गियर बॉक्स से ऊपर आता है, अगर आपको कभी भी चेंज करना रहेगा तो नीचे का जो सेफ्टी कवर आता है वो पूरा कवर ओपन करके आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, एकदम
फ्रेंडली जो स्टार्टर आपका आता है एकदम स्टार्टर के ऊपर आपको ये दिया जाता है क्रैंक सेंसर, ये मर्सिडीज C200 का क्रैंक सेंसर है, ठीक है फ्रेंड, ये स्टार्टर के एकदम ऊपर दिया जाता है। आप सबसे पहले सेफ्टी कवर ओपन कर लीजिए, फिर आप नीचे जैसे आप सोएंगे आपको ऊपर के पोजीशन में ये दिख जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्रैंक सेंसर का सॉकेट ओपन कर लीजिए, क्रैंक सेंसर का सॉकेट ओपन कर लेंगे तो आपका जो पाना है वो परफेक्ट बैठेगा, नहीं तो सेंसर ये सॉकेट ओपन पहले नहीं करेंगे तो आपका जो पाना है वो स्लिप मारेगा। तो सबसे पहले सॉकेट को ओपन कर लीजिएगा, उसके बाद वो एक लंकी खोल के आप क्रैंक सेंसर को बाहर निकाल सकते हैं। फाइनली फ्रेंड हमने इसका सेंसर अरेंज कर दिया है, ये इसका न्यू सेंसर है और ये इसका ओल्ड सेंसर है, तो हम आपको दिखाते हैं चेक करके। कैमरा कंट्रोल में दिखाइए, ये देख सकते हैं हमारा सेंसर का थिकनेस देख सकते हैं, दोनों एक बराबर है। ये जो नीचे का है ये भी देख सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड क्या होता है अगर ये आपका छोटा बड़ा रहेगा लेंथ में तो आपका सेंसर जो है उससे फ्लाईव्हील से कनेक्ट नहीं होगा तो आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। तो सबसे ज़रूरी आपको ये इसका जो लेंथ है ये चेक करना जरूरी है, देख सकते हैं एकदम बराबर है, सेम टू सेम है, तो हमारे गाड़ी में किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, देख सकते हैं। तो हम ये नया सेंसर है इसका, तो अब इस गाड़ी में हम फिट करेंगे और उसका स्टार्ट करके चेक करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको इसके ये फिटिंग करके दिखाते हैं किस तरह फिट करेंगे, आपको फिट करके हम दिखाते हैं पूरी तरह से। ये इसका ओल्ड सेंसर है, ये इसका न्यू सेंसर है। तो फाइनली फ्रेंड हम इसका क्रैंक सेंसर जो है वो फिटिंग करने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। अंसारी जी सेंसर लेके नीचे आइए, देख सकते हैं इसका नया सेंसर है। देख सकते हैं फ्रेंड ये हम आपको फिटिंग करके देख सकते हैं फ्रेंड। फाइनली अब हम सेंसर का जो बोल्ट आता है उसे लगा रहे हैं, हाथ से टच करने के बाद फिर उसे हम फाइनल पाने से टच करेंगे। अभी फ़िलहाल हम हाथ से फंसा रहे हैं, क्रैंक सेंसर हमने लगा दिया है, अब उसका बोल्ट टाइट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं फ्रेंड ये इसका बोल्ट भी हमने फंसा दिया है क्रैंक सेंसर का, अब हम इसे टाइट करते हैं। देख सकते फ्रेंड ये जो हमारा छोटा ब्लैक पेटी का टूल्स आता है पेटी का, उसके पाने से हम इसे टाइट कर रहे हैं और इसी पाने से हमने उसे ओपन भी किया था, थोड़ा अड़चन में है फ्रेंड, लेकिन क्या करें काम तो करना पड़ेगा। देख सकते हैं इस पेटी के द्वारा हम इस सेंसर को फिटिंग कर रहे हैं, अब फाइनल हाथ मार कर फिर इसका सॉकेट लगाएंगे और फिर गाड़ी स्टार्ट करके चेक करेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं, हमारा गाड़ी स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका सॉकेट लगा रहे हैं, ये देख सकते हैं एक क्रैंक सेंसर का सॉकेट हम लगा रहे हैं, ये सॉकेट बैठ गया। अब फाइनली फ्रेंड हम बाहर निकल लेंगे और एक बार गाड़ी स्टार्ट करके चेक करेंगे कि हमारा गाड़ी स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम था इसका गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो हमने स्कैनिंग किया था तो उसमें क्रैंक सेंसर का प्रॉब्लम आया था, तो हमने इसका वायर तो चेक किया, दोनों वायर की जैसे ब्रेक व्रेक नहीं है। तो हम फाइनली फ्रेंड अब बाहर निकलेंगे करने जा रहे हैं। अच्छा जी गाड़ी इग्निशन ऑन कीजिए, हाँ स्टार्ट कीजिए। ये देख सकते हैं फ्रेंड हमारा गाड़ी स्टार्ट हो चुका है, हम आपको थोड़ा रेस करके दिखाते हैं, इसका साउंड सुन सकते हैं आप, तो रेस कीजिए। देख सकते हैं फ्रेंड ये हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है बंद कीजिए, बंद कीजिए बाहर आइए, हाँ फिर से बंद कीजिए, चालू कीजिए, फिर से एक बार चालू कीजिए। देख सकते हैं फ्रेंड हमारा गाड़ी बंद चालू दोनों हो रहा है, तो फाइनली ये गाड़ी हमारा सक्सेस हो चुका है, इसमें हमने क्रैंक सेंसर रिप्लेस किया है जो आपको हमने दिखाया है, ठीक है बाहर आइए,
पूरा इंजन सेफ्टी कवर बाहर निकाली है। ठीक है फ्रेंड, तो हमने देख सकते हैं ये इसका इंजन सेफ्टी कवर है जो नीचे लगा रहता है, इंजन के नीचे फिट होता है। तो हमने इसको ओपन किया था, ओपन करने के बाद हमें क्रैंक सेंसर दिख रहा था। तो हम ये इंजन सेफ्टी कवर गाड़ी में फिट करेंगे और अभी फ़िलहाल हमने गाड़ी को स्टैंड पर रखा है, हमने सिर्फ चालू करके चेक किया था। ठीक है फ्रेंड, तो हम ये इंजन कवर सेफ्टी कवर लगाएंगे, गाड़ी डाउन करेंगे और उसके बाद से एक बार गाड़ी को टेस्ट ड्राइव लेके गाड़ी कस्टमर को डिलीवरी कर देंगे, क्योंकि जो हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। ठीक है, गाड़ी बंद कर दीजिए। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो फ्रेंड, तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ आपको हमसे पूछना रहेगा तो प्लीज़ मैसेज बॉक्स में जाके हमें कमेंट कीजिए।